यूपी के जौनपुर जिले के बदलापुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में एक किशोरी अपने घर के बरामदे में सो रही थी और आधी रात के बाद संदिग्ध हालत में गायब हो गई। परिजनों ने रात में ही खोजबीन की लेकिन पता नहीं चल सका, जिसका शव सुबह पुलिया के पास नग्न अवस्था में मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी होते ही लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इस दौरान लोगों ने किशोरी के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने की आशंका व्यक्त कर रहे हैं। मृतक किशोरी हाई स्कूल की छात्रा और होमगार्ड की बेटी बताई जा रही है। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर SP देहात CO कोतवाल भारी फोर्स के साथ पहुंच मामले की जांच पड़ताल में जुट गए। देखिए जौनपुर से राकेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। पता चला कि जो है ये होमगार्ड है, बदलापुर में गांव के ही है, जयराम प्रजापति उनकी लड़की है। सुबह ये पता चला कि जो है संदिग्ध अवस्था में जो है नहर नाले की पुलिया के पास इसकी लाश मिली। उसके बाद जो है सूचना मिली, गांव वाले इकट्ठा हुए, उसके बाद जो है पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस जो है अपना छानबीन कर रही है। क्या इसमें कुछ आप सबको लग रहा है संदिग्ध में क्या कुछ? अब इसे ऐसा कुछ पता नहीं चल पा रहा है क्या है, क्या स्थिति है, कारण कुछ पता नहीं चल पा रहा है। कोई उच्च अधिकारी भी आए हैं मौके पर? हाँ, ये थाने के जो है प्रशासन भी आया है और CO साहब भी आए हैं और तमाम लोग जो है जाँच पड़ताल में जुटे हुए हैं।